हरे कृष्ण प्रभु जी, नर प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वीडियो आ रहा है? हाँ, क्रिस्टल क्लियर प्रभु जी, आवाज भी क्रिस्टल क्लियर, वीडियो भी क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, वी कैन स्टार्ट प्रभु जी। आप सुनाए क्या करना है? आपके नहीं बोलती नहीं थी मैं खुद। मैं कह रहा था कि जैसे रूटीन कीर्तन है ना, थोड़ा रूटीन कीर्तन करिए, थोड़ा सा जय राधा माधव कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई जी। मैं भिंडी तोड़ के जाता हूं। 5-1 मिनट का कीर्तन, उसके बाद जय राधा माधव। Thank you.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजक आचार्य अशोत्तर श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपदा हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। ओम अज्ञानतिमरंधस्य ज्ञानांजनशीलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का दिवस है। चंदन यात्रा का आरंभ है और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इस दिन के, उनकी भी डिस्कशन करेंगे। तो अक्षय तृतीया के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के अंदर तीसरा दिन जो है अक्षय तृतीया कहलाती है। अ प्लस क्षय, अगर आप संस्कृत डिक्शनरी लेंगे तो क्षय का अर्थ होता है आहिस्ता 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 समाप्त हो जाना। जैसे कि हम अपने मेडिकल फील्ड में कहते हैं क्षय रोग, क्षय रोग कहा जाता है तपेदिक को। किसी जमाने में जो टीबी होती थी उसको क्षय रोग कहा जाता था कि हौले हौले शरीर को समाप्त कर देते। बट यहाँ पर जो है शब्द इस्तेमाल किया साथ पूरा
अक्षय, अ अर्थात जहां क्षय ना होता हो, दैट विच नेवर डिमिनिशेस। तो इस दिन की ग्लोरी यही है कि इस दिन के किए हुए जो कार्य हैं, जो भक्ति करी हुई है, जो जो ऑस्पिशियस कार्य किए गए हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते, उसका कभी भी अंत नहीं होता, दे आर एवरलास्टिंग। ये अगर अक्षय तृतीया का दिन सोमवार को आता है, अर्थात जो चंद्रवार कहलाते हैं या सोमवार कहलाते हैं, अगर उस दिन, आज सैटरडे है, शनिवार को फॉल कर रहा है, परंतु अगर ये सोमवार को फॉल करता है तो इसकी ऑस्पिशियसनेस और बढ़ जाती है। ऐसा कि शास्त्रों में विचार है कि इसका जो गुण है, इसकी जो महिमा है, वो और ज्यादा हो जाती है। अब दूसरी बात, ये हम थोड़ी सी कर्मकांड की बात कर रहे हैं, एक लाइन और है कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन गिना गया है जिस दिन की किसी भी पारिवारिक शुभ कार्य के लिए आपको मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। गृह प्रवेश हो, नामकरण संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, कोई भी ऐसा जो है कार्य है, उसके लिए आपको मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। इट इज सच ए प्यूरिफाइड डेज। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा शॉर्ट में सिग्निफिकेंस के 5-6 पॉइंट हैं, वो डिस्कस करते हैं, इस बताते हैं, उसके बाद फिर हम जो है चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट की। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ, बिगनिंग, अक्षय तृतीया के दिन से हुई। त्रेता युग एक बहुत महत्वपूर्ण युग है। अगर हम नटशेल में एक लाइन में चर्चा करें तो त्रेता युग की चर्चा जो है, जब भी याद की, त्रेता युग को हम जब भी स्मरण करते हैं, जब भी याद करते हैं, तो भगवान राम से संबंधित सारी लीलाएं त्रेता युग में हुई है, उन्हीं का स्मरण होता है। तो उस त्रेता युग का आरंभ जो है वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अब त्रेता युग में और द्वापर युग में एक महत्वपूर्ण भगवान की इनकार्नेशन हुई, उनका प्रकट्य हुआ परशुराम के रूप में। परशु फरसे को कहते हैं, एक्स और राम मीन्स वो जो इनको राम अवतार जो फॉलो करते हैं, धारण करते हैं, उनको परशुराम कहा गया है। तो उन परशुराम का प्राकट्य जो है वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। अब आती है चर्चा महाभारत की। व्यास देव जी ने पुराणों की रचना करी, वेदों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद उनके मन में एक संताप था कि मैं जो है जो समाज के अंदर प्रबुद्ध नहीं है, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, उनको मैं ज्ञान किस प्रकार बांटूंगा, हाउ विल आई डिस्ट्रीब्यूट। एक समस्या है कि ज्ञान तो सबका अधिकार है, ये तो नहीं कह सकते कि इसका अधिकार नहीं है, इसका अधिकार है, इसका है, इसका नहीं है। तो ज्ञान पे तो सबका अधिकार है, परंतु वैश्यों के लिए, स्त्रियों के लिए मैं ज्ञान को किस प्रकार बांटूंगा, कैसे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इसके लिए उन्होंने जो है महाभारत नाम के ग्रंथ की रचना करी। उस महाभारत के ग्रंथ के अंदर 100,000 श्लोक हैं, 100,000 श्लोक। उन 100,000 श्लोकों को लिपिबद्ध करना है। पहले जो है सारी रचनाएं श्रुति से आती थी, गुरु जो है वो सुनाता था और शिष्य सुनता था, तो श्रुति के माध्यम से आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको जब कलयुग का प्रभाव आया तो इसकी जो है इसको अब वो लिपिबद्ध करना है। तो मत्स्य पुराण के अंदर उल्लेख आता है कि मत्स्य भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यास देव के रूप में अवतीर्ण करता हूँ। मत्स्य पुराण के अंदर
53वां अध्याय है और 91 से लेख से 110 तक श्लोक है जिनमें सारी चर्चा है। मैं इसको लिपिबद्ध करता हूं। अब लिपिबद्ध करना है तो लिपिबद्ध करने के लिए श्लोकों की रचना भी करनी है और उनको लिपिबद्ध भी करना है, तो कैसे होगा? तो व्यास देव जी ने कहा कि इसके लिए जो है मुझे लिपिबद्ध करने के लिए कोई योग्य लिपिक चाहिए। तो सजेशन आए कि आप ये कार्य जो है गणेश जी से करवाइएगा। अगर लोगों ने बद्रीनाथ की यात्रा करी हो तो वहां व्यास गुफा भी है और गणेश गुफा भी है, ऐसी वहां पे लीजेंड्स है। तो गणेश जी को उनको जाके जो है रिक्वेस्ट करी गई। गणेश जी ने कहा कि मैं तुम्हारा कार्य करने को तो तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त क्या है कि आप श्लोक को बोलते हुए रुकेंगे नहीं। बोले इतनी तेजी से लिख लेंगे? कहता हाँ मैं लिख लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अब व्यासदेव जी थोड़ा सा चिंतित हो गए कि भाई लगातार मुझे बोले जाना है, मुझे रेस्ट ही नहीं लेना है, ये कैसा लिपिक है जो मुझे सांस नहीं लेने दे रहा। तो व्यासदेव जी ने जो है कहा गणेश जी से कि मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आपने एक अनुरोध किया मैंने मान लिया, और मैं एक अनुरोध करता हूँ आप मान लीजिए। बोले कहिए। बोले मेरा अनुरोध ये है कि आप श्लोक को समझे बिना नहीं लिखेंगे। तो गणेश जी ने स्वीकार कर लिया, यस पहले मैं श्लोक को समझूंगा फिर मैं श्लोक को लिखूंगा। तो अब जो है व्यास देव जी कुछ श्लोक साधारण बोलने के सिवाय जो इजी टू अंडरस्टैंड थे उनको बोलने के बाद फिर एक श्लोक डिफिकल्ट बोल देते थे। जब तक गणेश जी डिफिकल्ट श्लोक को समझते थे तब तक जो है व्यास देव जी और श्लोकों की रचना कर देते थे। इस तरह उस महाभारत में 8800 मतलब 8800 श्लोक ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं, और बाकी जो श्लोक हैं वो सारे के सारे 91200 श्लोक ऐसे हैं जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड। उस महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा अक्षय तृतीया के दिन आरंभ की गई। कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसकी की रचना जो है वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन आरंभ करी। गंगा देवी अर्थात परसोनिफाइड गंगा नदी, इनको जब रिक्वेस्ट की जाती है भागीरथ मुनि के द्वारा, राजा भागीरथ के द्वारा, कि आप जो है पृथ्वी पर अवतरित हों जिससे कि मैं अपने पुरखों का जो है मुक्ति के लिए जो कार्य करना है उसके लिए कर सकूं, उन्हें मुक्ति की मोक्ष की प्राप्ति। गंगा देवी ने अक्षय तृतीया के दिन पृथ्वी पर उतरना, पृथ्वी पर प्रकट होना स्वीकार किया। कृष्ण के एक गुरुकुल के मित्र हैं, बहुत ही गरीब ब्राह्मण सुदामा के नाम से। उन सुदामा विप्र की जो कथा हमने सबने पढ़ी है भागवत के अंदर, सब जानते हैं कथा को, तो उस कथा को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उस सुदामा विप्र जो है वो अपने घर से एक मुट्ठी भर धान लेके, मुट्ठी भर चावल लेके, अपनी पत्नी द्वारा थोड़ा सा इंस्टिगेट होके भगवान कृष्ण से मिलने चले आते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है वो द्वारका में पहुँचते हैं, मतलब द्वारका के अंदर जो है भगवान कृष्ण से सुदामा विप्र का मिलन होता है। जब द्वारपाल आके ये कहता है भगवान कृष्ण से, देखिए अक्षय तृतीया की सिग्निफिकेंस क्या है, कितना ऑस्पिशियस है कि जब द्वारपाल आके भगवान कृष्ण से कहता है कि एक गरीब विप्र, एक गरीब ब्राह्मण बाहर खड़ा है, वो कहता है कि मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ। अब आप बताइए कहाँ राजा द्वारकाधीश और कहाँ वो गरीब ब्राह्मण आपका मित्र कैसे हो सकता है? परंतु भगवान ने जब पूछा उसका नाम क्या है, बोले अपना नाम सुदामा बताता है। इसी सुदामा को गुजरात में कुचेला भी कहते हैं, सुदामा बताता है। तो भगवान कृष्ण जैसे बैठे थे वैसे ही नंगे पांव भागते हुए द्वार की ओर जाते हैं और सुदामा को अपनी बाहों में भर लेते हैं। कितना अनोखा मिलन था, कितना अनोखा समय था। और ये समय जो है सुदामा विप्र का भगवान कृष्ण के महल में पधारन, द्वारका के महल में पधारने का दिन अक्षय तृतीया के दिन हुआ। पांडव वनवास कर रहे हैं
वनवास करते हुए भोजन व्यवस्था भी करनी है। ऋषिगण भी आते हैं, मुनिगण भी आते हैं, जो उनके वेलविशर्स हैं वो भी आते हैं, सबकी व्यवस्था करनी है। तो भिक्षा में कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी व्यवस्था होगी, तो इस सब की चिंताएं रहती हैं। इस दौरान में जो है युधिष्ठिर जो है सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उनको एक पात्र देते हैं जिसको अक्षय पात्र के नाम से पुकारा गया है। अक्षय मतलब उस पात्र के अंदर जो भोजन है उसके लिए वरदान दिया गया कि जब तक द्रौपदी उस भोजन को ग्रहण नहीं कर लेगी, द्रौपदी ग्रहण कर लेगी तब उसमें भोजन समाप्त होगा, जब तक द्रौपदी भोजन ग्रहण नहीं कर लेगी तब तक भोजन समाप्त नहीं होगा। उसकी जो लीला है कि दुर्योधन ने जो है दुर्वासा मुनि को इंस्टिगेट किया, उनसे कहा कि आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया है, मैं आपकी सेवा कर सका, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो भाई जो पांडव पुत्र हैं, पांडव हैं जो वन में रह रहे हैं, आप उनका भी आतिथ्य स्वीकार करो और उनको भी आशीर्वाद दो। अब दुर्वासा मुनि आउट ऑफ कंपैशन, करुणा है, करुणामयी, तो कहने चलो भी मैं उनको भी जाके तुम आशीर्वाद दे के आता हूँ, मेरा बनता है। तो वो वन में जाते हैं 10,000 शिष्यों के साथ। अब वहां पर द्रौपदी ये देखती है कि दुर्वासा मुनि आए हैं, भोजन व्यवस्था करनी पड़ेगी और अक्षय पात्र तो खाली हो गया, मैं तो भोजन ग्रहण कर चुकी हूँ। और दुर्योधन ने उनको समझा के भेजा था कि आपको उसको पता था कि द्रौपदी कितने समय के आसपास भोजन ग्रहण करती है, उसने इंस्टिगेट किया था कि आपको इस समय के बाद जो है भोजन प्राप्त करने के, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाना है। उसको मालूम था कि उनके पास जो है भोजन नहीं होगा और वो इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर श्राप देंगे और पांडव समाप्त हो जाएंगे। परंतु वो जो अक्षय पात्र की जो महिमा है, उसमें लास्ट दो शब्द कहना चाहूँगा कि जब दुर्वासा मुनि आते हैं स्नान करने के लिए जाते हैं, तब द्रौपदी भगवान कृष्ण को गुहार लगाती है, पुकारती है। भगवान कृष्ण आते हैं तो पूछते हैं, कृष्ण क्या हुआ? बोले, दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों के साथ, मैं पात्र से भोजन ग्रहण कर चुकी हूँ, मेरा क्या होगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पात्र लाओ। तो देखते हैं कि साग का एक पत्ता साइड में चिपका हुआ है। तो भगवान कृष्ण जो है पत्ते को उठाते हैं, ग्रहण करते हैं और डकार मार देते हैं। जब डकार मार देते हैं तो दुर्वासा मुनि और उनके सब शिष्यों को भोजन ग्रहण हो जाता है, सब पेट भर जाता है, सबको डकार आने लगते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं, अगर हमने जाके द्रौपदी के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं किया, पांडवों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि वो हमको श्राप दे दे, इसलिए भाग चलो। तो वो अक्षय पात्र को सूर्य भगवान से इस दिन जो है पांडवों ने प्राप्त किया था, अक्षय तृतीया का दिन था। अब जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ के अंदर एक अन्न डाला जाता है, बाजरा, बारले, जो उस युग धर्म के अंदर त्रेता युग के अंदर जो है उस बारले का जो प्राकट्य है वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। अब आती है चर्चा कुबेर के बारे में। ब्रह्मा जी के एक पुत्र है मुनि पुलत्स्य। पुलत्स्य को अगर देखें तो पुलत्स्य जो है वो एक राज ऋषि है तृणबिंदु। उनके जो है आश्रम के अंदर बैठ के, जो कि मेरु पर्वत के पास है, वहां पर अपनी तपस्या में लीन है। उस आश्रम के अंदर राजा की अपनी कन्या अपनी सहेलियों के साथ आकर जो है विचरण करती है और लीलाएं करती है, कल्लोल करती है। तो उनको जो है जो जो तृणबिंदु की पुत्री है उसकी और उसकी सहेलियों की जो कल्लोल है उससे तंग आके जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि भाई अगर आज के बाद कोई कन्या मुझे दिखाई दी और मेरी आँख किसी कन्या पे हुई तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। जिस दिन ये उन्होंने बात कही, सारी कन्याओं को सुनाई, उस दिन तृणबिंदु पुत्री उसमें नहीं थी।
अगले दिन त्रिनबंधु पुत्री जो है आती है और अकेली वहां पे घूम रही है, अपनी सहेलियों को ढूंढ रही है, कोई मिलती नहीं है, तो वो जो है ऋषि की जो है दृष्टि उस पर पड़ती है और उस पर पीलापन छा जाता है। जब वो वापस जाती है तो पिता कहते हैं भाई क्या हुआ, तो अपनी कोई राज ऋषि हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट हो गया है और प्रेगनेंसी किससे है ये भी जान लेते हैं। तो उसको लेके जो है वो वापस आते हैं, उनसे कहते हैं पुलत्स्य मुनि से कि आपकी कृपा से मेरी पुत्री जो है वो गर्भवती हो गई है, तो मैं इसे आपको सौंपना चाहता हूँ। उसे स्वीकार कर लेते हैं, पुत्र होते हैं पौलत्स्य अर्थात विश्वा अर्थात विश्वन। कह रहे थे कि मैं जो है स्वाध्याय कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, इसलिए जो है तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसे जो है विश्वन कहा जाएगा, विश्वा कहा जाएगा। उसका विवाह होता है भारद्वाज कन्या से और उनसे उत्पत्ति होती है वैश्वन की। वैश्वन जो है उसको कुबेर कहा जाता है। धर्म का आचरण करते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा और इंद्र उनके आश्रम में आते हैं, वरदान देते हैं, कहते हैं कि लोक रक्षा का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने यम इंद्र वरुण तीन मेरे पास जो है ऑलरेडी लोकपाल थे, चौथे लोकपाल की आवश्यकता थी, तुम बनो। यही वैश्वन कुबेर कहलाते हैं। और कुबेर जो है जब पूजा अर्चना करते हैं लक्ष्मी देवी की, तो उनको जो है वो पोजीशन और वेल्थ मिलती है, जहाँ वो लंका के राजा बनते हैं। तो कुबेर को जो धन संपत्ति और जो पद प्रतिष्ठा मिली है वो अक्षय तृतीया के दिन मिली है। अगर हम देखें आज के संदर्भ में तो यमुनोत्री का मंदिर और गंगोत्री का मंदिर दोनों जो है अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। इसके बाद जब आपका अक्टूबर के आसपास का महीना आएगा तब उनके पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। और जब खोले जाते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। उड़ीसा के अंदर जो खरीफ की फसल, जो चावल धान जो बोया जाता है, उसके लिए जो श्रमिक है, जो किसान है, वो निकलता है घर से, हल लेके निकलता है, बीज लेके निकलता है, सामान लेके निकलता है, तो पूजा अर्चना करते हुए इसी दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन आरंभ किया जाता है। पूजा अर्चना करके जो है धान की बुआई शुरू होती है और इसी दिन जो है चंदन यात्रा का आरंभ होता है। और इसी दिन जो है जगन्नाथपुरी के अंदर जो जगन्नाथ जी की यात्रा होती है उसके रथों का निर्माण आरंभ होता है। अब शॉर्ट में बात करते हैं हम लोग चंदन यात्रा की, कि चंदन यात्रा का महत्व क्या है, क्या है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा के दिन हम देखते हैं आज के दिन से आरंभ हो जाता है कि भक्तगण आते हैं मंदिर में, मंदिर के हॉल में, मंदिर के प्रांगण में बैठते पत्थर के ऊपर चंदन घिसते हैं, उस चंदन से भगवान को लेप किया जाता है 21 दिन तक, 21 days। ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसका रीजन क्या है, क्या कारण है कि ये किया जाए, तो इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। माधवेंद्रपुरी के बारे में सब लोग जानते हैं। माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन में वास कर रहे थे, ब्रज में वास था उनका, तो हर समय जो है भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में, भगवान नाम के जप में डूबे रहते थे, एक्स्टेटिक दिव्य आनंद की स्थिति में, दिव्य आनंद की स्थिति में। कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी होश में आते थे, कृष्ण हरे कृष्ण करने लगते थे, मतलब भगवान के नाम का स्मरण हर क्षण हर पल हर मोमेंट रहता। खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, भिक्षा मिल गई तो ले लिया, नहीं मिली तो नहीं लिया। तो एक स्थिति आती है कि जब वो जो है भूखे पड़े होते हैं तो एक सुंदर सांवरा बालक आता है, उसके हाथ में एक दूध का लोटा है। माधवेंद्रपुरी से कहता है कि मेरी माता ने मुझे भेजा है आपको ये दूध देने के लिए, कि आप दूध का सेवन करिए। माधवेंद्र पूछते हैं कि तुम कौन हो, बोलते मैं हूं गोपाल।
मैं गोपाल। अब कुछ दिन ये लीला चलती रहती है। अब इसमें जो है कुछ एक दो स्टोरीज हल्का हल्का चेंज है किसी किसी जगह पर। अगर आप गोवर्धन परिक्रमा में गए हो तो एक जगह है अन्योर, उसके अंदर जब चले जाएंगे मेन परिक्रमा मार्ग से कट के जब दाएं हाथ को अंदर चले जाएंगे तो वहां पे गोपाल जी का मंदिर है। गोपाल जी उस स्थान पर जो है विराजमान थे। कैसे विराजमान थे? एक गड़े में है जिसके ऊपर झार खंखार पेड़ मतलब सामान अमान गिरा हुआ है, चुपता है सारा कुछ। तो एक दिन वो बालक गोपाल जो है वो माधवेंद्रपुरी को वहां तक ले जाता है और उनसे कहता है देखो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे पेड़ मुझे पहाड़ की चोटी पर स्थापित करो, मेरा मंदिर बनाओ। और अभी कैसे लेके जाता है? लेके जाता है स्वप्न में, स्वप्न में, प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न में लेके जाता है। उनको स्वप्न आता है कि उस बालक कह रहा है कि मुझे यहां से निकालो, मुझे सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम के अंदर मुझे ही पड़ा रहना पड़ता है, मैं बहुत कष्ट में हूं, तो मेरा मंदिर बनाओ और मुझे वहां स्थापना करो। माधवेंद्रपुरी जो है अपने आसपास के जो गांव वाले हैं उनको साथ लेके वहां जाते हैं। उसमें से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति निकलती है। मूर्ति के बाएं हाथ की जो कनिष्ठा उंगली है, बिल्कुल छोटी उंगली है, वो ऐसे उठी हुई है। और वहां पर फिर बालक उनको सपने बताता है कि मैं ही वो गोवर्धनधारी हूँ, मैंने गोवर्धन को धारण किया था, मेरा ये मूर्ति जो है वज्रनाभ ने बनाई थी, इसको आप वहां स्थापित करिए। अब माधवेंद्रपुरी जो है गांव वालों को साथ लेके उस मूर्ति को वहां से निकाल के स्थापित करते हैं और मंदिर है गोपाल जी का। आसपास के सारे गांवों से लोग जो है जितना घर में धन धान्य था सारा लेके आ जाते हैं। अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है, बहुत भारी जो है उस दिन उत्सव होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है और समस्त आसपास के सारे गांव वालों में वितरित किया जाता है। पूजा अर्चना आरंभ हो जाती है। वही गोपाल जी एक दिन माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में कहते हैं कि मेरी जो अंदर गढ़े में रहते हुए मुझे गर्मी लगती थी, मुझे परेशानी होती थी, वो अभी समाप्त नहीं हुई है, वो अभी समाप्त नहीं हुई है, मेरे को आप शीतल, मेरे शरीर को शीतल करने के लिए उस पे आप चंदन का लेप करिए, मलय चंदन चाहिए, मलय चंदन मिलेगा आपको जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से, मुझे आप जो है मलय चंदन लाइए और उसको घिसके उसका लेप मेरे पे करिए जिससे कि मेरे शरीर को शांति की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। भगवान की डिजायर है, स्वप्न में आदेश दिया गया है, माधवेंद्रपुरी वहां से चल पड़ते हैं, पैदल चल रहे हैं, पूरे रास्ते में प्रचार हो रहा है, हरि नाम हो रहा है। अल्टीमेटली वो एक गोपाल जी के मंदिर में पहुंचते हैं। रास्ते में रेमुना, वहां पर उनके मन में विचार आता है कि बड़ा ही सुंदर यहाँ भोग लगता है 12 कटोरों में, और अगर मुझे किसी तरीके से ज्ञात हो जाए कि ये भोग कैसे बनाते हैं, ये भोग जो है इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो मैं भी जो है अपने गोपाल जी को ऐसे ही भोग बना के खिलाया करूंगा, ये डिजायर हो गई। रात्रि का समय है, माधवेंद्रपुरी जो है भगवान का स्मरण करते हुए निद्रा में है, सो गए हैं एक ओपन एरिया में या किसी वृक्ष के नीचे। भगवान ने डिजायर देख लिए, भगवान मन में उपस्थित हैं, हृदय में विराजमान है,
भक्त की जो इच्छा है उसको पूर्ति करना है तो भगवान क्या करते हैं कि जो 12 कटोरे उनको खीर के लगे थे उसमें से एक कटोरा खीर का अपने कपवस्त्रों के पीछे छुपा लेते हैं। रात्रि में पुजारी को जिसने जो भोग लगाता है उसको जो है रात्रि में स्वप्न आता है कि मेरे वस्त्रों के पीछे एक कटोरा खीर का छुपा हुआ है, उसको वहां से निकालो और वहां हाट के अंदर जो है माधवेंद्रपुरी नाम का एक भक्त है उसको जाके देके आओ। अजीब स्वप्न है, भगवान ने चोरी कर ली, भगवान ने खीर चोरी कर ली, ये कैसे हो सकता है। पर पुजारी गए, देखा खीर का एक कटोरा वहां था, उन्होंने उठाया और ढूंढते ढूंढते आवाज लगाते माधवेंद्रपुरी को ढूंढा और उनको जो है खीर का कटोरा दिया कि ये भगवान ने आपके लिए भेजा है, कि ऐसे ऐसे भगवान ने खीर की चोरी करी है, अपने वस्त्रों के पीछे छुपा ली थी आपको खिलाने के लिए। तो उन गोपाल जी के मंदिर को, गोपीनाथ जी के मंदिर को कहा गया खीर चोर गोपीनाथ, कि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई। माधवेंद्रपुरी अभिभूत हैं, आंसू बह रहे हैं, मूर्छा हो रही है, भगवान ने मेरे लिए चोरी करी, भगवान ने मेरे लिए चुराया। इतने दयालु हैं भगवान के अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं, मैंने तो सिर्फ बनाने का तरीका जानने का प्रयास किया था, ये तो मुझे बना बनाया प्रसाद भेज दिया, भोग उन अपना भोग जो उनको अर्पित किया गया था प्रसाद के रूप में मुझे भेज दिया। माधवेंद्रपुरी उसको प्राप्त करते हैं, आसपास खबर फैल जाती है कि ऐसे ऐसे माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त आए हुए हैं जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी करी। उसके बाद जो है माधवेंद्रपुरी वहां से चलते हैं, मले चंदन लेने के लिए जो है वो जगन्नाथपुरी के राजा के पास जाते हैं, राजा से चंदन ग्रहण करते हैं 81 मन। अब उसको लेके जाना है, इतना भारी चंदन के बैलगाड़ियां चाहिए, व्यवस्था चाहिए उसको जो है वृंदावन तक ले जाने के लिए। कुछ व्यवस्था करी जाती है, जब रमणा के पास पहुंचते हैं तो फिर माधवेंद्रपुरी को स्वप्न आता है कि देखो मेरे में और गोपाल जी में कोई भेद नहीं है, तुम ये चंदन को यहीं छोड़ो, यहीं पे इसको घिसके इसी चंदन का लेप मेरे पे कर दो, मेरे को शीतलता प्राप्त होगी तो गोपाल जी को वहां भी शीतलता प्राप्त हो जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मेरे को देखिए 3 बार स्वप्न दिया भगवान ने, पहली बार मुझे गड़े में से निकाला, मैंने उनको निकाला, दूसरी बार चंदन लाने की मेरे को उन्होंने कही और तीसरी बार यही चंदन को समर्पित करने की कही, तो मैं चंदन को यही समर्पित करता हूँ, वहीं पे है चंदन को घिसा गया, भगवान को लेप लगाया गया और भगवान को शीतलता प्राप्त हुई। उसी उपलक्ष्य में 21 दिन के लिए चंदन यात्रा का उत्सव होता है, चंदन घिसा जाता है, भगवान को लगाया जाता है, भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। तो अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और खास तौर पे जो वैष्णव संप्रदाय के डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनके लिए, क्योंकि इसमें जो है भगवान की वो लीला है जिसमें कि भगवान के शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए सब भक्तों को चांस मिलता है, भगवान भक्त को भक्ति करने का चांस दे रहे हैं कि यस तुम भी एंटाइटल्ड हो चंदन घिसके उस चंदन को मेरे शरीर को अर्पित करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, अगर हमें एक मौका मिलता है जैसे भगवान का भोग बनाने का मौका मिलता है कि हम भगवान को भोग बना के अर्पित कर सके, अगर हमें भगवान को स्नान कराने का मौका मिलता है कि भगवान को स्नान करा सके, उनको तैयार कर सके, अर्थात जब अभिषेक किया जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है भक्तों के लिए, बहुत ही उत्कर्ष की बात है, वो इसको अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। और अक्षय तृतीया का दिन जो है इसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट का दिन है। अब जो करंट सिनेरियो है, जो आज के दिन, आज का जो चर्चा कलयुग में चल रही है, उसमें जो करंट सीन चल रहा है उसमें ये हो गया कि भाई अक्षय तृतीया जो है इस दिन सोने को खरीदा जाए। अगर आप देखेंगे कि आज के दिन सोने के भाव बढ़ जाते हैं,
प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ स्वर्ण के गहने, स्वर्ण की चीजें, स्वर्ण के बर्तन, स्वर्ण की चीजें लेके आता है कि आज जो है अक्षय तृतीया का दिन है तो आप मुझे जो है स्वर्ण का क्रय करना है, मतलब उसको खरीदना है। ये एक साधारण सी बात है, परंतु जो इसकी एक्चुअली महिमा है उसको हमें समझना चाहिए कि कितना ऑस्पिशियस डे है। और उस ऑस्पिशियस डे में जितना हम स्वाध्याय करेंगे, जितना भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन सुनेंगे या कहेंगे, उतना ही हमें इसके अंदर भक्ति में लाभ प्राप्त होगा। तो आज इतना ही, शेष फिर हरे कृष्णा। Would you like to take questions, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Anybody has any question? Akshay Tritiya ka divas hai. Chandan Yatra ka aarambh hai. Agar kisi ka koi prashn ho, to pooch sakta hai. Dhanyavaad, Prabhu. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Prabhuji, for explaining in detail. ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने सुंदर तरीके समझाया अक्षय तृतीया के बारे में, सो कंप्लीट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय श्री कृष्ण हरि प्रभु जी की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, थैंक यू सो मच प्रभु।